नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों के नोटिफिकेशन हो, चाहे वो भर्तियों से संबंधित सरकार का शासनादेश हो, या भर्तियों से संबंधित कोई नई नियमावली हो, या भर्तियों से संबंधित किसी आयोग या चयन बोर्ड का कोई विज्ञप्ति हो या आदेश हो। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई एक और नई भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की जबरदस्त अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। पदों की संख्या क्या होगी, योग्यता क्या होगी, आयु क्या मांगी जाएगी, इसकी बारे में संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। मेरे पास है लखनऊ एडिशन का दैनिक जागरण समाचार पत्र, पेज नंबर 10 में ये विज्ञप्ति जारी हुई है और इसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये भर्ती के बारे में बताया गया कि ये भर्ती है समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू। इस तरीके की जो भर्ती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी तक देखने को मिला करती थी, क्योंकि उससे जो आरओ एआरओ की भर्तियां आती हैं तो उसमें कई तरीके के पद होते हैं, समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू, समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो इस तरीके के पद जो लोक सेवा आयोग से आते थे, हाईकोर्ट से नहीं आते थे। हाईकोर्ट से सिंपल भर्ती आती थी आरओ और एआरओ की। आरओ एआरओ की जो भर्तियाँ हैं वो 3-4 जगह से निकलती हैं, जैसे यूपीपीसीएल से भी आरओ एआरओ की भर्ती निकलती है, लोक सेवा आयोग से भी आरओ एआरओ की भर्ती निकलती है, राजस्व विभाग में जो सचिवालय के जो पद होते हैं उनमें आरओ एआरओ होते हैं, राजस्व विभाग में आरओ एआरओ होते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी आरओ एआरओ होते हैं। तो इन विभागों की कुछ भर्तियां होती हैं वो लोक सेवा आयोग से होती हैं, और हाईकोर्ट अपनी खुद की जो आरओ एआरओ भर्ती करता है। उसी क्रम में अभी हाल ही में अगस्त के महीने में एक भर्ती आई थी आरओ एआरओ की, तो वो साधारण भर्ती थी, उसका परीक्षा का सिलेबस अलग था, उसमें इंग्लिश अनिवार्य है उस प्रश्न पत्र में। लेकिन ये जो भर्ती है वो है आरओ हिंदी की, तो ये सामान्य आरओ नहीं है, ये है आरओ हिंदी, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है आरओ उर्दू, तो ये स्पेशल आरओ के जो पद हैं इन्हें आप लोग देख सकते हैं। 22 अक्टूबर की यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है, यहाँ पर ये तारीख है, और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पद का नाम रिव्यू ऑफिसर हिंदी, और 27 इसके पद हैं हिंदी वाले के, लेवल 8 का इसमें पे स्केल रखा गया, यानी कि 47,600 से लेकर के 151,100 रुपये स्टार्टिंग में ही इन विद्यार्थियों को लगभग 58,000 रुपये मिलता है, 57,000-58,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पर एज जो मांगी गई है, उत्तर प्रदेश में भले ही अधिकतम 40 साल की आयु होती है, लेकिन हाईकोर्ट जो अपनी भर्तियों में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल की आयु रखता है। एससी एसटी ओबीसी को छूट भी मिलती है, कम से कम 21 साल की आयु होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल की आयु। 1 जुलाई 2021 से ये डेट मांगी गई है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, ये देखने वाली बात है कि इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश एंड हिंदी बोथ एंड इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएट लेवल, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन में और इंटरमीडिएट दोनों में हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर क्वालिफिकेशन की डिग्री भी हमेशा मांगी जाती है आरओ एआरओ में, और डाटा एंट्री वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 की टाइपिंग स्पीड आरओ की भर्ती में हाईकोर्ट में रहती है। तो वहीं पर उर्दू समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट निकली है उसके लिए योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के समकक्ष होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में अरेबिक लिटरेचर एंड पार्सियन लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसके साथ में कंप्यूटर की कोई डिग्री भी होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग डेट लिखा हुआ है कि 22 अक्टूबर से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 11 नवंबर है। यहाँ पर देखिए 11 नवंबर की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। अधिक जानकारी के लिए ये दो वेबसाइट दी हुई हैं, एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट.in, अभी इसमें अपडेट नहीं है, मैं अभी आपको बता दूँ, आप लोग अभी से देखने लगे दोपहर तक अपडेट हो जाएगा। recruitment.nta.nic.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकेंगे। तो ये होगी आप आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको आपके काम का हो, और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।